हेलो गाइज, मैं हूं सर्वेश और आप देख रहे हैं न्यूज़टॉप। दोस्तों, आज के इस वीडियो में बात करेंगे एप्सन के जितने नए मॉडल के प्रिंटर आए हैं L3200 सीरीज के, चाहे वो L3210 हो, L3215 हो, L3250 हो, L3216 हो। जैसे कि आप यहां देख पा रहे हैं, ये L3210 मॉडल का प्रिंटर है और यहां पे सिंगल रेड लाइट ब्लिंक हो रहा है। तो गाइज, यहां पे आज के इस वीडियो में हम इसके सॉल्यूशन के बारे में बात करेंगे। आपके प्रिंटर में चाहे सिंगल रेड लाइट ब्लिंक कर रहा हो, डबल रेड लाइट ब्लिंक कर रहा हो, प्रिंटर कोई सा भी हरकत कर रहा हो, आज बेसिकली बात करेंगे सिंगल रेड लाइट ब्लिंकिंग के बारे में। लेकिन साथ में हम बात करते रहेंगे कि अगर डुअल रेड लाइट ब्लिंक करेगा तो आपके प्रिंटर में क्या प्रॉब्लम हो सकता है। तो आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप अभी हमारे चैनल पर नए हैं तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि आपको इस चैनल पर बहुत सारे इन्फॉर्मेटिव वीडियो हमारे माध्यम से मिलते रहते हैं। और जब भी आपका प्रिंटर खराब होता है, आप अपने नज़दीकी किसी शॉपकीपर के पास, किसी डीलर के पास ले जाते हैं बनवाने के लिए। जब आपका प्रिंटर आउट ऑफ वारंटी हो जाता है तो आपका दो तरीके से नुकसान होता है। एक तो आपको अपना आपका दुकान छोड़ के जाना पड़ता है, अपना बिजनेस भी आपका नुकसान होता है, समय भी खराब होता है, और साथ में आपको वहाँ जाने के बाद अच्छा खासा रकम भी देना पड़ता है, यानी कि आपको जेब भी अपनी ढीली करनी पड़ती है। तो अगर आज आप ये वीडियो देखेंगे तो आप थोड़े से भी टेक्निकल होंगे, थोड़ा सा भी कॉन्फिडेंस लेवल अपना हाई रखेंगे, तो आज हम आपको प्रिंटर रिपेयरिंग का काम थोड़ा बहुत सिखा देंगे। और अगर आप चैनल पर सब्सक्राइब कर लिया आपने इस चैनल को, तो परमानेंटली आपको बहुत सारा काम आपको आ जाएगा प्रिंटर रिपेयरिंग के बारे में। आप खुद चाहें तो अपना प्रोफेशन बना सकते हैं प्रिंटर रिपेयरिंग करके, क्योंकि इसमें भी अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ है, आपको अच्छा पैसा मिलेगा जब भी आप ये बिजनेस करेंगे। तो बेसिकली इसमें बात करेंगे कि सिंगल रेड लाइट ब्लिंकिंग की जब प्रॉब्लम होती है गाइस, तो इसमें सिर्फ हार्डवेयर का प्रॉब्लम होता है, यानी प्रिंटर के इंटरनल किसी पार्ट में कोई प्रॉब्लम है, या तो इसमें पेपर जाम हो गया होगा, या इसका कोई पार्ट टूट गया होगा, या कहीं पर कुछ फंसा होगा, कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स होंगी, ये हमें अभी खोलने के बाद पता चलेगा। लेकिन हम आपको बताना चाहते हैं इसके प्रॉब्लम को फाइंड कैसे करें। प्रिंटर को खोलने से पहले आप अपने कंप्यूटर के स्क्रीन पर चेक कर लीजिए, आपका कंप्यूटर खुद ही बता देगा कि आपके प्रिंटर में प्रॉब्लम क्या है, क्योंकि इसका जो यूटिलिटी सॉफ्टवेयर होता है जो हमारे कंप्यूटर में इंस्टॉल होता है, वहीं पे एरर मैसेजेस आ जाते हैं कि प्रॉब्लम प्रिंटर में बेसिकली है क्या। तो आइए हम सबसे पहले कंप्यूटर के स्क्रीन पर चेक कर लेते हैं कि इसमें क्या प्रॉब्लम है। तो गाइज, यहाँ कंप्यूटर के स्क्रीन पर आपको सामने दिखाई पड़ रहा होगा, इस स्क्रीन पे हम सबसे पहले कंट्रोल पैनल ओपन करेंगे, और कंट्रोल पैनल में जाने के बाद आपको डिवाइस एंड प्रिंटर का ऑप्शन मिल जाएगा, क्योंकि हमें प्रिंटर में प्रॉब्लम्स फाइंड करना है। तो यहाँ पर डिवाइस एंड प्रिंटर वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, फिर आपको अपने प्रिंटर मॉडल पर राइट क्लिक करना है। मैंने यहाँ पर राइट क्लिक कर दिया, और यहाँ से प्रिंटिंग प्रेफरेंस ऑप्शन पर आपको क्लिक कर देना है, और फिर मेंटेनेंस ऑप्शन पर आकर के यहाँ पर एक ऑप्शन दिया गया है एप्सन यूटिलिटी सॉफ्टवेयर के द्वारा, एप्सन स्टेटस मॉनिटर, मतलब आप इस प्रिंटर का स्टेटस चेक कर पाएंगे। तो अभी यहाँ पे सिंपल बता रहा है कि आपके प्रिंटर में क्या प्रॉब्लम है। यहाँ पे एरर मैसेज आ गया है पेपर जाम का, यानी आपके इस प्रिंटर में आपको बताया जा रहा है कि पेपर जाम का एरर है। लेकिन जब आगे पीछे पूरा खोल के आपने देख लिया, साफ सफाई कर लिया, कोई पेपर जाम नहीं है, फिर पेपर जाम का एरर क्यों दे रहा है? क्योंकि इसके सॉफ्टवेयर के यूटिलिटी में जितने भी प्रॉब्लम्स पेपर जाम से रिलेटेड होते हैं, उनमें से कुछ भी हो जाएगा तो पेपर जाम का एरर ये देना शुरू कर देगा। गाइज, आपको हम ये बताना चाहते हैं कि ऐसे सारे मॉडल के प्रिंटर में, चाहे जो भी मॉडल का हो, 3200 सीरीज का एक हो, 3210, 3250, 3215, जितने भी प्रॉब्लम इस प्रिंटर में होंगे वो यहाँ पे आपको स्क्रीन पर दिख जाएगा। जैसे यहाँ पे पेपर जाम आपको दिखाई पड़ रहा है, अगर यहाँ पे सर्विस रिक्वायर्ड का मैसेज आपको आने लगे तो इस प्रिंटर में कोई प्रॉब्लम नहीं है हार्डवेयर से रिलेटेड, मतलब प्रिंटर को आपको खोलना या छेड़ने की जरूरत नहीं है, पता चलेगा आपका प्रिंटर खराब ही नहीं हो, आपने खोल के खराब कर डाला। तो अगर यहाँ कंप्यूटर के स्क्रीन पे आपको सर्विस रिक्वायर्ड का मैसेज दिखाई पड़े, जैसा कि यहाँ स्क्रीन पे दिखाई पड़ रहा है, तो आपको ये जो नंबर मेरा दिया गया है, फटाफट इस पे आप कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, हमारी पूरी टीम है, हम आपका हेल्प करेंगे। एक सॉफ्टवेयर टूल के माध्यम से आपका प्रिंटर रिपेयर हो जाएगा। इसके अलावा कोई एरर कोड आ रहा है जैसे 00032, 00031, 00034, 00016, ऐसे बहुत सारे एरर कोड आएंगे, ये सभी हार्डवेयर प्रॉब्लम है। ये सभी कोड कब आते हैं, क्यों आते हैं, हो सकता है इसी वीडियो में कुछ और एरर कोड हमें सीखने को मिल जाए, क्योंकि अभी तो इसमें पेपर जाम का एरर आ रहा है। जब पेपर जाम एरर हम हटाएंगे तो हो सकता है कोई और एरर कोड आ जाए। तो देखते हैं इस प्रिंटर को, अब हम खोलते हैं। तो गाइज, इस प्रिंटर को खोलने के लिए सबसे पहले हम फ्रंट वाला पैनल इसको खोल देंगे, उसके बाद इसको जब हम उठाएंगे तो ये ऐसे यहाँ पे फंसा सा रहता है। क्या करेंगे, इस तरह का एक स्क्रू ड्राइवर आप लेंगे पतला सा, और यहाँ पे ये एक तरीका है खोलने का। इसके अलावा यहाँ पे स्क्रू दो लगे हैं, जिसको मैंने पिछले वीडियो में बताया था, उस तरह से भी खोल सकते हैं। लेकिन आप इसको यहाँ पे ध्यान से देखें, थोड़ा सा कैमरा करके आगे दिखा दीजिए,
ये वाला पैनल, इसको आप यहाँ पे स्क्रू ड्राइवर अपना रखेंगे और ये नीचे की तरफ जाए तो स्क्रू ड्राइवर साथ में लेके जाएं और फिर ऊपर साथ में लेके चले आए इसको, तो ये आराम से आपका निकल जाएगा इस तरह से। गाइज ये आराम से निकल जाएगा यहाँ से। और ये गाइज यहाँ पे प्रॉब्लम फाइंड हो गया है, यहाँ पे देखें तो एक इनकोडर लगा होता है, मुझे लगता है इसको चूहे ने शायद काट दिया है, तो इस वजह से मैं इसको यहाँ से हटा दे रहा हूँ। और इसी वजह से ये पेपर जाम का एरर दे रहा था। और यहाँ पे देखें तो इस तरह से हमें ये निकाल लेना होता है। गाइज इसको हमने निकाल लिया है यहाँ से और ये हमने हटा दिया है। अब अगर देखें कि इसमें क्या एरर है, क्योंकि हमने ये चीज़ें जो थी ये कटा हुआ था यहाँ पे, आप देख सकते हैं इसको किस तरह से काटा गया है, इसको चूहे ने शायद काट दिया है, तो इसको आप यहाँ से हटा देंगे। ये स्प्रिंग भी मैंने यहाँ से हटा दिया है क्योंकि अब तो ये पार्ट किसी काम का नहीं है, इसे तो हमें रिप्लेस ही करना पड़ेगा। तो इसे कैसे रिप्लेस करना है ये भी हम पूरी जानकारी आपको देंगे, लेकिन अगर इसको हटा ही दें तो क्या प्रिंटर चलेगा ये देख लेते हैं हम। तो इसको मैंने इस तरह से लगा दिया और दोबारा से प्रिंटर का केबल मैंने निकाल दिया था, प्रिंटर जब खोलना था तो मैंने इसको यहाँ से दोबारा केबल लगा दिया है और फिर इसे हम ऑन कर रहे हैं। अगर ये पार्ट हम हटा भी देते हैं तो भी पेपर जाम का ही एरर हमें देखने को मिल जाता है। फिर इसको जब आप ये पार्ट जब हटा भी रहेगा तो आपका जो हेड होगा ना वो खट खट करके आगे पीछे ये इधर से जाएगा, इधर आके लड़ेगा, इस तरह की हरकतें करेगा। जैसे मैंने इसको यहाँ से पावर ऑफ कर दिया और दोबारा से पावर ऑन करेंगे तो ये इस हेड को सेंस, ये देखिए खट खट का आवाज़ कर रहा है। इस तरह का कभी हरकत करे तो आप तुरंत समझ जाइए कि हमारे प्रिंटर का ये वाला जो पार्ट है ये टूट गया है या कट गया है या निकल गया है अपने जगह से, इसी कारण से ये प्रिंटर ऐसा हरकत कर रहा है। तो इसको कैसे सही करना है, सबसे पहले तो इसे हम लगा लेते हैं। तो गाइज ये इनकोडर जो है इसे आप रिप्लेस करेंगे उसके जगह पर और फिर इसको आपको लगाना है। लेकिन ध्यान रहे इसको कैसे लगाना है, आपका जो ये स्प्रिंग होता है इसमें से निकाल लेंगे और यहाँ पे एक सिंपल काला सा, आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे यहाँ पे ये काला सा हल्का सा यहाँ पे एक ट्रिंगल टाइप का बना हुआ है, यहाँ से मैं ये निकाल ले रहा हूँ और जिधर इसमें बना है उधर ही इसको फंसाना है इस स्प्रिंग के अंदर, इस इनकोडर को। तो मैंने यहाँ पे ये लगा लिया है, इस तरह से ये फंस गया है इसमें। अब इसको एक साइड लगाएंगे और इसको दूसरे साइड लगाएंगे, लेकिन गाइस इसको लगाते समय में आपको ध्यान रखना है ये जो हमारा हेड का मूवमेंट होता है इसी मूवमेंट को करने के लिए, और ये एक सेंसर है जो टेक्स्ट को किस तरह से लिखना है, कितनी दूरी पे लिखना है, प्रिंट करना है, यही सारा सेंस करता है। ये एक सेंसर में होकर के गुजरता है। उसके लिए हम आपको बता दें यहाँ पे चूंकि इस हेड को बिना खोले हम इसे लगा सकते हैं। यहाँ पे देखें मेरे हाथ में एक दूसरा कैरेज है, इसी के अंदर हेड लगा होता है, जैसे ये यहाँ पे फिक्स है इसकी जगह पर इसको ऐसे रखेंगे, ये दूसरा वाला है। तो ये कैसे काम करता है, ये जो हमारा इनकोडर है ये यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे ये सेंसर से होकर के निकलता है, इसी सेंसर में ये ऐसे इसको हमें निकालना है। तो आप देखें इस सेंसर में ऐसे होकर के ये चलता रहेगा, जब हम इसको लगाएंगे तो ये इसी सेंसर से होकर के निकलता है। कभी कभी आप लगा देंगे और पता चलेगा कि ये सेंसर के बाहर है तो भी आपका हेड पागल रहेगा, खट खट की आवाज़ें करेगा लेकिन चलेगा नहीं और आप तब भी परेशान रहेंगे। तो जब भी ये इनकोडर आपको लगाना है इसके अंदर से ही लगाना है। तो मैं इसको निकाल लिया, ये मैंने एग्जांपल के लगाया था। अब ध्यान से हमें इसके अंदर इसको घुसाना है और ये कैसे लगा पाएंगे इसको आप आराम से देखेंगे तो आपको भी दिख जाएगा जब आप अपने प्रिंटर में लगाएंगे। आपको ध्यान से इसको अंदर घुसाना है, जैसे मैंने इसको लगा दिया है ये अंदर पार हो गया, इस पार से उस पार हो गया है, और आपको इधर से जब दूसरी साइड ये निकल जाए तो आप ये पार्ट्स को निकाल सकते हैं और फिर अंदर आप ध्यान से देख लेंगे कि आप सेंसर में है या नहीं है। फिर आप इसे स्प्रिंग को ला करके यहाँ पे फंसा लेंगे इस तरह से और यहाँ पे इसके खांचे में आप ये फिट कर देंगे और फिर दूसरी साइड गाइज आप देखेंगे तो यहाँ पे इसको ऐसे ऊपर उंगली रख के फंसा सकते हैं, इस तरह से ये लग गया है। अब गाइज इसमें हम देख लेते हैं क्या एरर मैसेज आ रहा है, इसको लगाने के बाद क्या अभी भी कोई एरर है इसमें या एरर ख़त्म हो गया है। तो मैंने इसे पावर दे दिया है और इसे अब ऑन करेंगे। तो गाइज ये प्रिंटर रेडी हो रहा है और यहाँ स्क्रीन पे भी आप देख पा रहे हैं प्रिंटर इज़ बिज़ी का मैसेज आने लगा है, जो पेपर जाम का मैसेज हमें देखने को मिल रहा था, और थोड़ी देर में ये प्रिंटर रेडी हो जाएगा। अभी यहाँ पे जो ये प्रोसेस कर रहा है वो स्क्रीन पे यहाँ पे बता भी रहा है, ये वहीं से स्टेटस चेक किया जा सकता है जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था। तो गाइज कभी कभी ये एरर भी आपको देखने को मिलेगा कि ये दोनों रेड लाइट कंटिन्यू स्टेबल हो जाएंगे, और इस केस में आपको क्या करना पड़ेगा, आपको भी कंप्यूटर का स्क्रीन दोबारा से देखना पड़ेगा। यहाँ पे आप देखेंगे तो नॉजल चेक इज रिकमेंडेड आपको दिखाई पड़ रहा है। अगर ये वाला एरर मैसेज आपको दिखने लगे तो इस केस में कुछ ज़्यादा नहीं करना है, आप चाहें तो यहाँ से नॉजल चेक कर सकते हैं, ओके करके पीछे नॉजल चेक का ऑप्शन हमें मिल जाता है, आपको हम दिखा देना चाहते हैं। यहाँ पे आपको
प्रिंट नॉजल चेक यहाँ पे हमें दिखाई पड़ रहा है, इस ऑप्शन पे हम क्लिक करके नॉजल चेक कर सकते हैं। लेकिन अगर आप इसे स्किप करना चाहते हैं तो यहाँ प्रिंटर में देखें किसी भी बटन को आप एक बार प्रेस कर देंगे, मैंने इसे दबा दिया और ये एरर खत्म हो गया। और जैसे ही ये एरर खत्म हो जाएगा गाइज, यहाँ पे आपको फिर से देखिए आपके कंप्यूटर के स्क्रीन पे रेडी का मैसेज आपको दिखने लगेगा। तो यानी कि ये प्रिंटर अब रेडी हो गया है। इसमें जो प्रॉब्लम था वो इस इनकोडर का था, इसे लगाना कैसे है ये मैंने आपको बताया था। इस प्रकार से इसको इसके अंदर से ही करके लगाना है। जब ये लगाएंगे, अगर कहीं ये बाहर से आपने ऐसे इस पार से उस पार लगा दिया और बाहर रहेगा ये इस तरह से चलेगा तो भी ये सेंस नहीं कर पाएगा और नहीं चल पाएगा आपका मशीन। रेडी हो गया है तो मैं इसे वापस पैक कर दे रहा हूँ। इसको पैक करना क्या है, बस इसमें तो मैंने कुछ खोला ही नहीं था गाइस, तो इसको क्या करना है, सिंपल इसको इस तरह से करके और नीचे की तरफ दबा देना है, वो अपनी जगह पर ऑटोमेटिकली फिक्स हो जाएगा और इस तरह से ये प्रिंटर रेडी। तो गाइस ये प्रिंटर रेडी हो गया और मैंने पेपर भी लगा लिया है। अब इसमें हम कुछ कॉपी करके देख लेते हैं। चलो यार ये टूटा था आईसी का कॉपी निकालते हैं। चलो भैया हाँ, अभी मैं ब्लैक प्रिंट कर रहा हूँ इसको और देखते हैं ये प्रिंट कर रहा है या नहीं। तो गाइस प्रिंटर चल रहा है फटाफट। गाइस वीडियो कैसा लगा आपको कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। मिलूंगा किसी और टेक्निकल वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।